हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अलग अलग तरह के नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस एक तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स आदि को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। इनको नेटवर्किंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट आदि भी कहते हैं। इन डिवाइसेस की मदद से हम डेटा को फास्ट, सिक्योर और सही तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम नेटवर्क पे या अलग अलग नेटवर्क पे। इन सभी डिवाइसेस का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब हम इनमें से कुछ डिवाइसेस को देखेंगे। किसी भी मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वाईफाई कार्ड का होना जरूरी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या निक को इथरनेट कार्ड, नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड या नेटवर्क अडैप्टर कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है। यह एक फिजिकल और डेटा लिंक लेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर यूज करते हैं इथरनेट लैन को कनेक्ट करने के लिए और लैन के दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। शुरुआत में ये इथरनेट कार्ड्स कंप्यूटर के बाहर लगते थे और उनको हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता था। आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में यह एक इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है। निक के मैन्युफैक्चरर्स हर एक निक कार्ड को एक यूनिक फिजिकल एड्रेस देते हैं। इस फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस एक 6 बाइट का एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को नेटवर्क पर अलग अलग पहचान देता है। क्योंकि नेटवर्क पर कई हजारों नेटवर्क डिवाइस हैं, मैक एड्रेस की मदद से हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाईफाई कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से हम किसी भी डिवाइस को लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं बिना वायर्स के। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम किसी भी नेटवर्क के साथ बगैर वायर के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक वायरलेस रेडियो और एंटीना होता है। इसमें सबसे प्रचलित है PIC एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड। यह बहुत काम आता है जब हमारे पास हार्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस नहीं हो। वाईफाई यूज करने के लिए हमारे पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए जो नेटवर्क का फिजिकल एरिया है और जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसको वाईफाई हॉटस्पॉट भी कहते हैं। हॉटस्पॉट का सेटअप हम कहीं भी, घर, ऑफिस या कोई पब्लिक जगह पर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट खुद वायर से ही नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इन एक्सेस पॉइंट का रेंज होता है करीब 100 से 150 फीट घर के लिए और इससे कई ज्यादा स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए। सिर्फ वो डिवाइस जो इसकी रेंज में होते हैं वह नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें लिमिट भी हो सकता है कि एक साथ इस पे कितने कंप्यूटिंग डिवाइस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। अब निक या वाईफाई कार्ड से आपका डिवाइस रेडी है दूसरे डिवाइसेस के साथ बात करने के लिए। अब आपको हब, स्विच या राउटर की जरूरत है दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। हब एक फिजिकल लेयर का डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स या लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेटा पैकेट्स पूरे नेटवर्क में ट्रांसफर होता है। जब कोई होस्ट डेटा पैकेट भेजता है किसी नेटवर्क हब पर, तब ये हब उस डेटा को अपने सारे कनेक्टेड पोर्ट्स पे कॉपी कर देता है। ऐसा करने पर सभी पोर्ट्स को डेटा भेजा जाता है और जिस पोर्ट के लिए वह डेटा भेजा गया है वह इसे यूज कर लेता है। हब पैसिव या एक्टिव हो सकते हैं। पैसिव हब बिना कुछ बदले सिग्नल को पास कर देते हैं। एक्टिव हब सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है जब वह उसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर करता है। इसकी मदद से हम नेटवर्क की रेंज को बढ़ा सकते हैं बिना किसी रिपीटर के। हब के डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वर्किंग मैकेनिज्म के कारण हब सिक्योर और सेफ नहीं है। डेटा पैकेट्स को सभी इंटरफेस या पोर्ट पर कॉपी करने से यह स्लो और कंजेस्टेड भी हो जाता है। इस वजह से लोग हब की जगह नेटवर्क स्विच यूज करते हैं। स्विच हब से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जहां हब सिर्फ डेटा फॉरवर्ड करता है, स्विच फिल्टर और फिर फॉरवर्ड करता है।
जो एक ज्यादा इंटेलिजेंट तरीका है डेटा पैकेट से डील करने का। तो जब स्विच के किसी पोर्ट पे पैकेट मिलता है तो वह पहले उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है और फिर पैकेट को सही रिसीवर के पास ट्रांसमिट करता है। फॉरवर्ड करने से पहले ये पैकेट चेक करता है कोलिजन और नेटवर्क एरर के लिए। इस टेक्निक को पैकेट स्विचिंग टेक्निक भी कहते हैं। स्विच एक लिस्ट मेंटेन करता है उसके साथ कनेक्टेड सब डिवाइस के नेटवर्क एड्रेसेस की। स्विच लैन में ट्रैफिक ओवरलोडिंग होने से रोकता है। हब स्विच और राउटर में से राउटर सबसे स्मार्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। यह एक स्विच की तरह काम कर सकता है और डेटा पैकेट्स को आईपी एड्रेस की मदद से सही जगह पर भेज सकता है। यह एक डायनेमिकली अपडेटेड राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसकी मदद से यह सही जगह पर पैकेट को भेज सकता है। इसकी एक खासियत ये और है कि राउटर अलग अलग नेटवर्क को भी साथ में कनेक्ट कर सकता है। राउटर का इस्तेमाल लैन को इंटरनेट से या वैन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक राउटर डेटा को रीपैकेज करके दूसरे नेटवर्क में भेज सकता है। राउटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाईफाई राउटर, जो एक कॉम्बिनेशन है राउटर और मॉडम का, जो आपके आईएसपी से आए इनकमिंग ब्रॉडबैंड सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है। कई बार हमें हब, स्विच और राउटर के बीच में डिफरेंशिएट करने को पूछा जाता है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। हब ओएसआई के फिजिकल लेयर में काम करता है, स्विच काम करता है डेटा नेटवर्क लेयर में और राउटर काम करता है ओएसआई के नेटवर्क लेयर पर। हब मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जबकि स्विच मैसेज मल्टीकास्ट करता है। राउटर मैसेज को राउट करता है। हब डेटा भेजता है बिट्स में, स्विच डेटा भेजता है फ्रेम्स में और राउटर डेटा भेजता है पैकेट्स में। हब डिवाइसेस कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क में, स्विच डिवाइसेस को कनेक्ट करता है नेटवर्क पे। राउटर इस्तेमाल होता है अलग अलग नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। हब मैक एड्रेसेस लोकली स्टोर नहीं करता, पर स्विच और राउटर दोनों लोकली एड्रेसेस स्टोर करते हैं। अब अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज और गेटवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिज से हम दो या दो से ज्यादा लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं। यह डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है। ब्रिज सिर्फ वही नेटवर्क को हैंडल कर सकता है जो सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हब के जैसे मॉडर्न ब्रिज के मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, लेकिन हब के विपरीत ब्रिज में जब फ्रेम आता है तो ब्रिज उसका डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रेम हेडर से निकाल लेता है और फिर लुकअप टेबल में से सही डेस्टिनेशन पर भेज देता है। इससे ब्रिज एक फ्रेम को उसी पोर्ट पर भेजता है जो उसकी डेस्टिनेशन है और ये मल्टीपल फ्रेम्स भी एक साथ फॉरवर्ड कर सकता है। फ्रेम्स की फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग ब्रिज का फंक्शन है। ब्रिज हब से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वह नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। यह एक इंटेलिजेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। गेटवे ज्यादातर एक कंप्यूटर होता है जिसमें मल्टीपल निक कनेक्शन होते हैं अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। आपके घर पर यह आईएसपी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। एक बड़ी एंटरप्राइज में यह कंप्यूटर प्रॉक्सी सर्वर का भी काम कर सकता है, फायरवॉल या मैलवेयर से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा नेटवर्क्स को रिपीटर की भी जरूरत होती है। रिपीटर काम आते हैं ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ाने के लिए, ताकि सिग्नल लंबी दूरी तक पहुंच सके या ऑब्स्ट्रक्शन को पार कर सके। यह सिग्नल की पावर को बढ़ाता है और उसे फिर रीट्रांसमिट कर देता है। तो यह थे अलग अलग तरह के नेटवर्क डिवाइसेस। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमारे वेबसाइट simplycoding.in पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।